वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारा मैकेनिज्म गाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, होल मैकेनिज्म। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले गाइज हम आते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन पे। क्या डेफिनेशन होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन गाइज एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब गाइज बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलने वाला, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखें गाइज तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अकर एट द सेम टाइम। वह प्रोसेस है गाइज जिसके अंदर जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है और जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है वह सेम टाइम में होती है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है गाइज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जस्ट बाद में होता है, उसको फॉलो करता है। सपोज गाइज ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर पहले क्या हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ। तो गाइज एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब डेड नहीं होते कुछ बैक्टीरिया। और जो रिमेनिंग बैक्टीरिया जो बचे गाइज, जो डेड नहीं हुए मतलब जो जिंदा हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। अब गाइज एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम कुछ डिफरेंस देखें तो कुछ डिफरेंस आते हैं गाइज। क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस देखें गाइज। तो पहला डिफरेंस है गाइज सडन ऑनसेट। एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सडन ऑनसेट होता है। कौन सा ऑनसेट, सडन मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर ये हो जाता है। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो स्लोली ऑनसेट होता है। एक और डिफरेंस देखें हम गाइज, तो ये जो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखें तो इसके अंदर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर गाइज जो सेल जो एक्टिवेटर होती है वो होती है न्यूट्रोफिल। इसके अंदर गाइज जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर मैक्रोफेजेस होंगे एक्टिव, मैक्रोफेजेस या हम मोनोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देखें गाइज, एक और डिफरेंस देख सकते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है गाइज। सेल्फ लिमिटिंग ये होता है प्रोग्रेसिव। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव। तो ये सारे डिफरेंस जो हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के में ध्यान में रखने होते हैं। अब गाइज जो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, क्या करेक्टरिस्टिक्स, तीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाइज तो हमें देखने हैं, ठीक है। पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय मोनोन्यूक्लियर सेल। कोई भी टिश्यू है उसके अंदर जो मोनोन्यूक्लियर सेल है, फॉर एग्जांपल मोनोन्यूक्लियर सेल के एग्जांपल है आपका मैक्रोफेजेस हो गया, मैक्रोफेज, ठीक है, आपका मैक्रोफेज हो गया और लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। सपोज ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स यहाँ पर टिश्यू पे एंटर कर जाएंगे। तो ये पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड होता है गाइस, सेकंड होता है इसमें आपका टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और थर्ड होता है गाइस प्रोलिफ्रेशन चेंज, प्रोलिफरेटिव चेंजेस। प्रोलिफरेटिव चेंज मतलब कोई भी आपका टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको हील करने के लिए गाइस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस और एंजियोजेनेसिस, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो तीन करेक्टरिस्टिक्स गाइज हमने देखे, तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय मोनोन्यूक्लियर सेल। क्लियर करिए ये सारी चीज़ें। अब गाइज हम देखते हैं सिस्टमिक इफेक्ट। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें सिस्टमिक के पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला होता है गाइज फीवर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होएगा तो फीवर यहाँ पर आपके डेवलप होएगा। सेकेंड है गाइज एनीमिया, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। थर्ड है गाइज ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट्स का बढ़ना। अब गाइज एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी ल्यूकोसाइट बढ़ रहे थे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो ल्यूकोसाइटोसिस की वैरायटी है वो डिफरेंट होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइटोसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। फोर देखते हैं गाइज ESR क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक है। अब गाइज ESR इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। तो गाइज ESR जो होता है वो एलिवेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फिफ्थ देखें गाइज अमाइलोडोसिस, अमाइलोडोसिस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अमाइलोडोसिस गाइज यहाँ पर सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलोडोसिस होता है। क्लियर गाइज ये सारी चीज़ें।
अब गाइस कुछ चीज़ें हम रॉबिन्स से लेते हैं, जो रॉबिन्स पैथोलॉजी बुक है वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं। रॉबिन्स ने बताया कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें जो मैन एक्टिव होता है वो होता है मैक्रोफेजेस, मैन एक्टिवेटेड सेल मैक्रोफेज। गाइस हम देखेंगे मैक्रोफेज जो होता है कैसे एक्टिवेट होता है। तो मैक्रोफेज एक्टिवेटेड गाइस दो पाथवे होते हैं, क्लियर गाइस, दो पाथवे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। पहले हम देखेंगे अगर इन मैक्रोफेज, ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये अगर इंड्यूस्ड बाय इंटरफेरॉन गामा एंड एंडोटॉक्सिन, अगर ये मैक्रोफेज इन सब्सटेंस इंड्यूस हुए तो ये मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं कुछ सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंस क्या नाम है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये जो मैक्रोफेज हैं प्रोड्यूस करेंगे इंटरल्यूकिन 1, 6 and 12, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे। इन मैक्रोफेजेस को गाइस हम बोलते हैं M1 टाइप मैक्रोफेजेस, क्लियर। और क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। अब गाइस क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस क्यों बोला हमने, हमने बोला जो मैक्रोफेज हैं ये दो पाथवे से एक्टिवेटेड होंगे। जो हमने राइट में ये वाला पाथवे बताया, सॉरी लेफ्ट में बताया हमने ये वाला पाथवे, ये पाथवे है क्लासिकल पाथवे। और जो हम इधर बताएंगे ये वाला पाथवे होएगा अल्टरनेट एक्टिवेटेड पाथवे, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट हो रहा है तो इसके लिए हम इसे बोलते हैं क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है। वह जो क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं ये क्या प्रोड्यूस किए, इंटरल्यूकिन 1, 6 and 12, ठीक है। इससे क्या होता है गाइस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और लाइसोजाइमल एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और गाइस ये जो है ये क्या करते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है, क्लियर गाइस। अब सेकंड राइट साइड में बात करें हम, अगर ये मैक्रोफेजेस इंड्यूस हो रहे हैं, किससे इंड्यूस हो रहे हैं भाई, इंटरल्यूकिन 13 से, अगर इनसे इंड्यूस हो रहे हैं तो गाइस ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करेंगे इंटरल्यूकिन 10 TGF-beta, ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ऐसे मैक्रोफेज को हम क्या कहेंगे, M2 मैक्रोफेजेस, या फिर हम कहेंगे अल्टरनेट एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, क्योंकि अल्टरनेटिव पाथवे से एक्टिवेट हो रहे हैं इसलिए हम इन्हें अल्टरनेटिव एक्टिवेट कहेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं गाइस, ये दो फंक्शन करेंगे, एक तो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एक होता है फाइब्रोसिस का काम भी करते हैं। तो गाइस ये समझ में आ गया कि दो पाथवे हो गए, जो राइट लेफ्ट वाला क्लासिकल पाथवे और राइट वाला अल्टरनेट पाथवे, कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या इनका फंक्शन है, कैसे बैक्टीरिया को किल करते हैं, ये हमने देखा। अब देखते हैं हम गाइस टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। पहला टाइप्स होता है गाइस क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हम पढ़ेंगे क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, कोई भी रेटेंट स्टिमुलाई आपके पास आया, तो कोई भी रेटेंट स्टिमुलाई आया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस अगर नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन वो प्रोड्यूस करे, साथ साथ में गाइस वो प्रोड्यूस करता है विद फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। अगर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, क्लियर गाइस। इसके जो एग्जांपल हैं गाइस वो है क्रोनिक ऑस्टियोमायलाइटिस और क्रोनिक अल्सर डिजीज या फिर लंग एब्सिस, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं, क्लियर गाइस। अब दूसरा है गाइस, दूसरा जो टाइप है वो है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, ये हम डिफाइन करेंगे, कोई भी इंजीरियस एजेंट आया, ठीक है, वो क्या करता है, अगर वो इंजीरियस एजेंट एक करेक्टरिस्टिक्स हिस्टोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो कर रहा है, अब करेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसे शो करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है, कैसे शो करेगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा, एक ग्रेनुलोमा बनाता है और इस ग्रेनुलोमा से गाइस यहाँ पर एक स्पेसिफिटी प्रोड्यूस हो जाती है, स्पेसिफिटी, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, एक स्पेसिफिक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल गाइस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब गाइस हम बात कर रहे हैं ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस ग्रेनुलोमा, कि ग्रेनुलोमा क्या होता है। तो गाइस ग्रेनुलोमा जो होता है वो कलेक्शन है मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस का, और जो
जो मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है उनको हम बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल। कैसे मॉडिफाइड कलेक्शन है गाइस, वो हम डायग्राम से देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। और जो कलेक्शन होता है जो मैक्रोफेजेस का, ये सराउंडेड, ये किससे घिरा हुआ रहता है? बाय कोलर ऑफ लिम्फोसाइट एंड जाइंट सेल, ठीक है। इनसे घिरा हुआ रहेगा। कैसे घिरा हुआ रहेगा वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। सपोज करो ये गाइस मैं बना रहा हूँ ना, ये इसका है, इस ब्लूस, ये है एपिथेलॉइड सेल, बीच के अंदर एपिथेलॉइड सेल है, स्लीपर शेप्ड सेल होती है गाइस, ठीक है। स्लीपर शेप्ड सेल होती है, एपिथेलॉइड सेल होगी, ठीक है। अब ये जो ब्लैकिस बन रही है गाइस, ये हो गए लिम्फोसाइट्स, कोलर ऑफ लिम्फोसाइट्स, सराउंडेड बाय कोलर ऑफ लिम्फोसाइट हमने बताया। जो रेड रेड बन रही है ये गाइस होती है जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स क्या होती हैं? फ्यूजन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स। क्लियर गाइस ये सारी चीज़ें? तो गाइस हमने डेफिनेशन बताया कि कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेज, तो ये पूरा कलेक्शन है मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस का, जिसे बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। एपिथेलॉइड सेल्स कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेज, जिन्हें बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। कलेक्शन दिख रहा है, और वो किससे सराउंड है? कलर ऑफ लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट है, इससे सराउंड है, और जाइंट सेल्स। जाइंट सेल क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एपिथेलॉइड सेल। क्लियर गाइज ग्रेनुलोमा की डेफिनेशन। अब गाइज जी सेल्स की बात करें, जाइंट सेल की, तो गाइज जाइंट सेल क्या होते हैं? फ्यूजन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स। पहला टाइप होता है गाइज फॉरेन बॉडी जाइंट सेल, ये हैपजार्ड अपीयरेंस शो करता है। सपोज ये एक है जाइंट सेल, इसके अंदर क्या होता है? एपिथेलॉइड सेल जो होती है ना, वो रैंडम पैटर्न में होती है फॉरेन बॉडी में। सेकेंड आता है लैंगहैंस जाइंट सेल, इसके अंदर गाइज जो एपिथेलॉइड सेल होंगी वो एक पैटर्न में होंगी, और वो पैटर्न का नाम है हॉर्सशू शेप पैटर्न, हॉर्सशू शेप पैटर्न, ठीक है। थर्ड होएगा गाइज टोटन जाइंट सेल, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हमारे जो हैं वो दो इंपॉर्टेंट हैं, फॉरेन बॉडी और लैंगहैंस जाइंट सेल। हम नाम बता देते हैं औरों के, टोटन जाइंट सेल, थर्ड फोर्थ हो गया गाइज ट्यूमर जाइंट सेल। बहुत सारे टाइप्स हैं, आर एस सेल भी होता है। तो ये हमें दो का याद रखना है, फॉरेन बॉडी एंड लैंगहैंस जाइंट सेल का। अब हम गाइस डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा की पैथोजेनेसिस डिस्कस। गाइस ग्रेनुलोमा जो होता है वो टाइप फोर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, टाइप फोर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होएगा, ठीक है। एक्चुअली गाइस क्या होता है, ये पहले जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है, ये पहले तो डिफेंस रिएक्शन होती है कि हमारा जो होस्ट है वो डिफेंस रिएक्शन शो करता है। लेकिन गाइस कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे क्या होता है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन क्यों होएगा? क्यों गाइस जो एंटीजन होता है, अब कोई भी हमारी जो डिफेंस सेल है उस एंटीजन को खाना चाहेगी, ठीक। ये एंटीजन है, ये डिफेंस सेल है, ये एंटीजन को खाना चाहिए, लेकिन ये जो एंटीजन है ये पुअरली डाइजेस्टिबल एंटीजन है, मतलब ये डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो कैसे खा पाएगी? इसलिए गाइस लास्ट में क्या हो जाता है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। अब हम गाइस डिफाइन करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। सपोज करो पहली जो स्टेप होती है वो होती है इंगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। सपोज ये मैक्रोफेज है, ये एंटीजन है, ठीक है। अब गाइस हमें पता है कि जो ये एंटीजन है, ये जो है एंटीजन, ये पुअरली डिग्रेडेबल होता है, पुअरली डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज है, ये इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगी, डिग्रेड नहीं कर पाएंगी क्योंकि पुअरली डिग्रेडेबल है। तो गाइस क्या हो जाएगा, ये मैक्रोफेज जो है ये अपनी स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेंगी, और ये मैक्रोफेज एपिथेलॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, एपिथेलॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। पर जो एंटीजन है ये भी जिंदा है, ठीक है, एंटीजन जिंदा है गाइस अभी भी। तो गाइस एक जो सेल्स होती हैं CD4 टी सेल्स, CD4 प्लस टी जो लिम्फोसाइट सेल हैं ये एक्टिवेट होती हैं, CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये क्या करेंगी? इलेबोरेट कर देंगी, इलेबोरेट लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस को इलेबोरेट करेंगी। और लिम्फोकाइंस में कौन कौन आते हैं? Interleukin-1, Interleukin-2, इंटरफेरोन गामा, TNF-alpha, इन सारी सेल को क्या करेंगी? इलेबोरेट कर देंगी। क्लियर गाइस सारी चीज़ें? अब गाइस जो Interleukin-1 है, Interleukin-2 है, ये क्या करेगा? ये करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ मोर टी सेल्स, ठीक। ये जो एक्टिवेट हुआ Interleukin-1, Interleukin-2, ये दोनों साथ में क्या करेंगे? और टी सेल्स का एक्टिवेशन करेंगे। इंटरफेरॉन गामा क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन करेगा, जिससे और प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस और होगी, ठीक है। TNF-alpha क्या करता है? ये है TNF-alpha,
टी एन एफ अल्फा है, साइड में लिखते हैं हम, ये जो टी एन एफ अल्फा दिख रहा है ये क्या करता है गाइज, ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करेगा, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफ्रेशन, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफ्रेशन प्रमोट करेगा और एक्टिवेट कर देगा एंडोथीलियम, एन एक्टिवेट एंडोथीलियम टू सिक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है गाइस। और गाइस ग्रोथ फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट हम बात करें ग्रोथ फैक्टर्स, जो ग्रोथ फैक्टर हैं फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ग्रोथ फैक्टर बीटा समझते रहो गाइस, और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं गाइस, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट करेंगे। अब गाइस इसका हम रिवीजन करें वापस एक शॉर्ट फॉर्म में, तो सपोज तो हम पहले सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी हुई, तो गाइस जो एंटीजन है वो क्या है, डाइजेस्टेबल नहीं है, मतलब इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा जो एंटीजन है, तो उससे क्या होता है गाइस फेलियर टू डाइजेस्ट एंटीजन एजेंट हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा वीक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर गाइस क्या होता है मैक्रोफेज उसको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि क्या होता है हमने बताया था पोअरली डिग्रेडेबल, हमने बताया था ना यहाँ पे पोअरली डिग्रेडेबल, ठीक है, एंटीजन पोअरली डिग्रेडेबल होते हैं, तो ये मैक्रोफेज उसको खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है परजिस्टेंस ऑफ इंजरियस एजेंट, जो इंजरियस एजेंट है उसको वो सर्वाइव करता रहेगा, फिर क्या होता है उससे टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होएगा, ठीक है। उससे क्या होता है CD4 टी सेल्स एक्टिवेशन होगी, CD4 टी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होगी गाइज यहाँ पर क्या होता है रिलीज ऑफ लिम्फोकाइन, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होएगा, हमने बताया अभी इंटरफेरोन गामा, इंटरफेरोन गामा रिलीज होएगा, तो इंटरफेरोन गामा क्या कर देता है मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट होने से गाइज मैक्रोफेज कुछ ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रिएट करेंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफेरेटिव साइटोकाइन टीजीएफ बीटा पीडी प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये हमने बताया, ठीक है। और मैक्रोफेज जैसे एक्टिवेट होंगे तो जो एपिथेलियल सेल है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जॉइंट सेल्स के अंदर, और जो फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेटिंग साइटोकाइन का सिक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर लास्ट में क्या बनता है ग्रेनुलोमा बन जाएगा, क्लियर गाइस सारी चीज़ें। मैक्रोफेज जो है, जो मैक्रोफेजेस हैं यहाँ पर जो बची, जो मैक्रोफेजेस बची ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंडोथीलियल सेल्स के अंदर, वह मैक्रोफेज डाइजेस्ट नहीं कर पाई उसको पहले, तो मैक्रोफेज जो सेप कन्वर्ट करके एंडोथीलियम सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये एंडोथीलियम सेल बन गई, बीच के अंदर एंडोथीलियम सेल होती है, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल नहीं सॉरी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमने बता दिया, ठीक है। सो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं, और बाय कंसर्ट विद मी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हेल्थ।